नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ओवेसिटी पर है। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा। मोटापा शरीर को विकृत कर देता है, थुलथुला बना देता है और कई रोगों को आमंत्रित देता है। मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ स्पेसिफिक दवाइयां बताऊंगा और उसके साथ में कुछ इंडिकेटेड मेडिसिंस बताऊंगा जो आप घर बैठ करके दवाइयां खरीद कर अपने शरीर पर इनका इस्तेमाल करिए और लाभ उठाइए। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं, सरल हैं, सुरक्षित हैं और आप इनसे आसानी से अपने घर बैठ करके ही इलाज कर सकते हैं। पहले मैं चर्चा करूँगा ओबेसिटी के कारणों पर। पहला कारण है इसका आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी जब होती है तो बच्चे और बच्चियाँ मोटे हो जाती हैं क्योंकि उनके माँ बाप में यह गुण होता है, नाना नानी के अंदर यह गुण होता है तो बच्चे भी मोटे और थुलथुले बन जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण है नमक अधिक लेना। नमक अधिक शरीर के अंदर जाता है तब भी बच्चे और बच्चियाँ और महिलाएं मोटी हो जाती हैं। तीसरा कारण है हार्मोनल डिस्टरबेंस। हार्मोनल डिस्टरबेंस में जब थायराइड ग्रंथि की जब TSH बढ़ जाती है तब भी मोटा होने लगता है। नंबर चार पर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब व्यक्ति या बच्चा खेलने कूदने नहीं जाते हैं, कम कम से कम प्रतिदिन हर व्यक्ति को 30 मिनट तक तेज गति से टहलना चाहिए। टहलने से शरीर से जो कैलोरीज बर्न होती हैं उससे भी मोटापा नियंत्रण में रहता है, मगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तब भी ओबेसिटी बढ़ जाती है। पांचवा नंबर आता है किडनी का माल फंक्शन यानी कि किडनी अपने काम में जब मंद पड़ जाती है तो टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसके कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। नंबर छह पर आता है पेट की सर्जरी, इससे भी ओबेसिटी बढ़ जाती है, महिलाओं में पेट बढ़ जाता है और ओबेसिटी का कारण बन जाता है। नंबर सात पर आता है मीनोपॉज अवस्था। मीनोपॉज में शरीर विकृत होने लगता है और मोटापा बढ़ जाता है। दोस्तों, शरीर ऊपर से ही मोटा और थुलथुला नहीं होता है, यह अंदर के अंगों को भी मोटा बना देता है। जिससे चर्बी हमारे अंदर के अंगों में बैठ करके उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती है और चर्बी यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त के अंदर भी बढ़ जाता है। हृदय में अगर चर्बी बढ़ जाती है तो एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि दिल का दर्द भी पैदा हो जाती है। चलने में श्वास फूलने लगती है और शरीर इतना थुलथुला हो जाता है कि जोड़ों में भी दर्द पैदा हो जाता है और हाइपरटेंशन की यानी ब्लड प्रेशर की भी शिकायत बढ़ जाती है। पेनक्रियाज में सूजन होने से भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, यह डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस का भी कारण बन जाती है। थोड़ा सा भी चलने पर श्वास फूलने लगती है, सीढ़ियां नहीं चली जाती हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति अनीमिया से सफर कर रहे होते हैं। लिवर मोटा होने से पहले हेपेटाइटिस हो जाती है, उसके बाद में लिवर सिरोसिस होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं जो कि प्राण घातक भी सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, इनसे बचने का उपाय है कि अब अगर अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग को कम करें और एक्सरसाइज बढ़ाएं। 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। आप हमारी होम्योपैथी की सरल और सुरक्षित जो मैं आपको दवाइयां बताने वाला हूं उनके साथ में एक्सरसाइज करते रहें तो सफलता जरूर ही मिल जाएगी। जहां पर कारण हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता है
या फिर TSH बढ़ चुका है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया है, वहां पर मेरी होम्योपैथिक दवाई का वीडियो देख करके आप स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ अपनी दवाई भी इंडिकेटेड दवाई चुनकर करें, आप दवाई खा सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। मेरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ करके अपनी दवाई अपने शरीर के अनुसार अपने कारण के अनुसार समझ करके दवा चुन लें और स्पेसिफिक दवाई के साथ में इसका आनंद उठाएं। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मोटापे की यानी ओबेसिटी की स्पेसिफिक दवाई बता रहा हूं, जो फॉर्मूला है उसे आप नोट कर लें। फॉर्मूला है फाइटोलक्का वेरी 3x में, फ्यूकस वेसिकुलोसस क्यू में। इन दोनों दवाओं को 30-30 ml दवा मार्केट से खरीद करके मिलाकर रख लें और 20-20 बूंद पानी में मिलाकर 3 बार लें। दोस्तों अगर व्यक्ति को जुकाम बार बार हो जाता है और सिर में दर्द बना रहता है और मोटापा साथ में है तो एक स्पेसिफिक दवा बनती है अमोनियम ब्रोम 3x में। अगर इसकी 10-10 बूंदें पानी में डालकर 3 बार ली जाएं तो यह तीनों चीज सिर का दर्द और जुकाम और मोटापा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को या महिला को डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द है और कब्ज रहती है, मोटापा है, अगर यह सेट पूरा किसी व्यक्ति एक व्यक्ति के अंदर आपको दिखता है, आप ले सकते हैं दवाई कार्ल्सबैड 3x या 6 में। लेने से ये मोटापे पर और डायबिटीज पर और इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी बच्चे की गर्दन में गांठें बड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, मिर्ची अधिक पसंद करता है और मोटापे से सफर कर रहा है, अगर किसी महिला की बच्चे का ऑपरेशन हुआ है इस वजह से मोटी हो गई है, पेट का थुलथुलापन आ चुका है, तो दवाई बनेगी कलकेरिया कार्ब में। एक बात और देखनी है आपको कि बच्चे का सिर पर पसीना अधिक आता है और रात में उसका तकिया भीग जाता है, तो दवाई कलकेरिया कार 30 में लगातार देते रहने से मोटापा नियंत्रण में आ जाएगा। अगर मरीज महिला है और चर्म रोग उसको है, अमीनोरिया की शिकायत रहती है, चीनी और नमक बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती है, शांत और कोमल स्वभाव की है, एड़ियां जल्दी जल्दी फट जाती हैं, तो दवाई बनती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 3x में चार चार गोलियां 3 से 4 बार पानी से के साथ में लेती रहें तो मोटापे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगली दवाई है पल्सेटला। पल्सेटला की महिला शांत और कोमल स्वभाव की होती हैं और इनको अमीनूरिया की शिकायत हो सकती है, तलवों में जलन हो सकती है और इनको फैट खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, मुंह सूखा रहता है मगर बिल्कुल प्यास नहीं लगती है। ऐसी महिलाएं पल्सेटला लेकर मोटापे पर नियंत्रण पा सकती हैं। अगली दवा है थूजा। थूजा दवा के अंदर ये लक्षण होना बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर जब चर्बी बढ़ जाती है तो शरीर पर कई असर छोड़ती है। ये बाल अगर दो मुंहे हैं, नंबर एक, अगर शरीर के अंदर अनवांटेड हेयर हैं जैसे मूंछों के बाल महिलाओं में और पैरों पर बाल दिखाई पड़ रहे हैं, TSH बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि थायराइड हाइपोथायरायडिज्म की ओर बढ़ रही है, तो दवाई बनेगी थूजा। थूजा 1 ml की एक खुराक प्रतिदिन लेने से थायराइड भी नियंत्रण में आ जाती है और मोटापा भी नियंत्रण में आ जाएगा। एक दवा है थायरोडिनम। थायरोडिनम 200 की 4 दिन बाद अगर खुराक लेते रहें तो भी मोटापा नियंत्रण में लिया जा सकता है। इसके लिए होम्योपैथिक लक्षण लेना बहुत जरूरी है। इसमें मीठा खाने की इच्छा अधिक रहती है, मरीज ठंडी प्रकृति का होता है, थायराइड के अंदर इसका TSH बढ़ा हुआ मिलेगा तो मरीज नियंत्रण में इस दवा से आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी आशा आपसे रखते हैं।